Hello friends, I hope you are doing well. Welcome in Basic Health Logic. हाल ही में डेंगू के दो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, जो कि एक हिंदी में है और एक मराठी में। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो कोई नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दो वीडियोस की लिंक दे रही हूँ, आप जरूर ट्यून कीजिए। जब आपको लक्षण दिखाई दे, आप क्या करेंगे? तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर जांच कराने के बाद ही आपको उचित व उपचार शुरू करेंगे, या फिर होम केयर एक ऑप्शन होता है। डेंगू एक जानलेवा बीमारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके लक्षण देखते हुए अगर आपके डॉक्टर ने आपको होम केयर की सलाह दी है, तो मैं जो ये पांच बातें बताने जा रही हूँ उसे आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। मैं जो बताने जा रही हूँ वो पांच बातें आपको होम केयर में बहुत ही लाभदायक होंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से विनती करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। जाहिर सी बात है, डेंगू के लक्षण आने पर आप अपने डॉक्टर से जांच पड़ताल करेंगे। इसी दौरान अगर आपके डेंगू के लक्षण मॉडरेट या सीवियर में होंगे तो डॉक्टर तुरंत आपको हॉस्पिटलाइज करने की सलाह देंगे। और आपको अगर बहुत ही सौम्य प्रकार के सिम्टम हैं तो आपके डॉक्टर आपको घर पर ही आराम करने की सलाह दे सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, डेंगू घर पर रहकर भी ठीक हो सकता है। सिर्फ मैं जो अभी बताने जा रही हूँ पांच बातों का आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है जब आप घर पर हो। सबसे पहली बात, बुखार के समाप्त होने के 48 घंटे बाद आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की जरूरत है। जब डेंगू बुखार उतर जाता है तो उसके 2 से 3 दिन तक शरीर की रक्त धमनियों से पानी का स्त्राव होता है। इस कारण धमनियों में रक्त की मात्रा कम हो जाती है। डेंगू बुखार में रोगी के लिए तरल आहार का सेवन अत्यंत लाभकारी माना गया है। उचित मात्रा में जल के सेवन से डेंगू के खतरे से बचा जा सकता है। डॉक्टर से सुझाई गई दवाओं का उचित मात्रा में सेवन करें। अधिक मात्रा में दवा लेने से डेंगू जल्दी ठीक हो जाएगा, यह एक केवल मिथ्य है। ज्यादा दवा लेने से दुष्प्रभाव भी हो सकता है। डॉक्टर ने बताई हुई निर्धारित दवाओं को उचित मात्रा में और सही समय पर लें। डेंगू बुखार में आइब्यूप्रोफेन जैसी दवाओं का सेवन करना सख्त मना है, क्योंकि इससे रक्त स्त्राव हो सकता है, जो कि एक चेतावनी का संकेत है। तीसरी बात यहाँ ये ध्यान में रखनी है, नोट करें कि रोगी कितनी बार पेशाब करने जाता है। यदि रोगी हर 6 घंटे में पेशाब करने जाता है तो इससे पता चलता है कि शरीर में पानी की कमी नहीं है, यह एक अच्छा संकेत है। अगर ऐसा नहीं होता है तो जरूर अपने डॉक्टर से परामर्श लें। चौथी बात यहाँ पर यह ध्यान में रखना है, बाजार में ऐसी कंपनियां हैं जो चमत्कारी दवाओं से डेंगू रोग को समाप्त करने का दावा करती है, पर इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इनका सेवन न करें क्योंकि वह विश्वसनीय नहीं है। यह दवाई आपको लाभ पहुंचाने से ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती है। और पांचवी बात, बीमार व्यक्ति के परिवारजन को ध्यान में रखना है कि आप रोगी की सुविधा अनुसार उनकी देखभाल करें। तो ये इन पांच बातों का आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है ताकि उस बीमार व्यक्ति की समस्या और न बढ़े और वो जल्द से जल्द ठीक होने की क्षमता पा सके। तो चलिए इसके साथ आज यही रुकते हैं, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।